माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। कल से माता रानी के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती है, लेकिन इसे गुप्त रूप से मनाया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान किए गए मंत्र जप और यज्ञ विशेष फलदायी माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य केवल तांत्रिक क्रिया ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। इस दौरान साधक ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध और जागृत करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत के दौरान वे अन्न का सेवन नहीं करते और केवल फलाहार या निर्जल व्रत रखते हैं। इसके अलावा साधक अपने मन को और शरीर को पवित्र बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करते हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान किए जाने वाली विधि का सामान्य नवरात्रों से भिन्न होती है। इसमें साधक विशेष तांत्रिक विधियों का पालन करते हैं और माँ दुर्गा के गुप्त रूपों की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए आत्मपुंति का समय होता है। इस दौरान साधक अपनी आत्मा और मन को उच्चतर स्तर पर ले जाने